दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार स्वाति मालीवाल मामले में फंसे हुए हैं। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी थी। अब उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विभव कुमार पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर हमला किया गया था। विभव कुमार को उनकी 4 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। विभव ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपनी गिरफ्तारी को ही अवैध बताया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस वालों ने उन्हें जबरन हिरासत में रखा, जिसके लिए उन्हें मुआवजा भी मांगा है। विभव ने मामले में गुरुवार की सुनवाई की मांग की है। याचिका में विभव ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती हिरासत में रखा। विभव ने जबरन हिरासत में रखने के लिए मुआवजा भी मांगा है। इसके साथ साथ विभव ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की है। विभव कुमार के वकील ने हिरासत में लेकर उनके मुवक्किल से पूछताछ करने की दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। सोमवार को विभव कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई पूर्व नियोजित इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता। विभव कुमार के खिलाफ 16 मई को IPC के विभिन्न प्राविधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में 13 मई को घटना के दिन मुख्यमंत्री आवास के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए। इन वीडियो में से एक में मालीवाल को सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे में वो सिविल लाइंस के मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। मालीवाल के वकील ने कहा कि कुमार के जेल में होने के बावजूद आप सांसद को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कुमार के निर्दोष होने पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना की CCTV फुटेज भी डिलीट कर दी थी। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।